Hello students, so today we are going to start with a new chapter, that is reproductive health. Yeah, reproductive health is equally important to our health system. Ek organism hai, usme bahut sari bodies hoti hain, bahut sare organs hote hain. As other organs, reproductive organs jo hote hain, they are equally important. So first of all, let us come to the definition of what is reproductive health exactly. According to World Health Organization ke according, reproductive health is a total well-being in all aspects of reproduction. किसी भी मतलब कि आदमी में रिप्रोडक्टिवली सारे एस्पेक्ट्स में ठीक होना, सारे एस्पेक्ट्स में ठीक होना. फॉर एग्जांपल, उसका जो रिप्रोडक्टिवली फिजिकल ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं. उसका जो इमोशनल बिहेवियर है रिप्रोडक्टिवली वो भी बिल्कुल हेल्दी है, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी बिल्कुल हेल्दी है, एंड सोशली भी वो बिल्कुल हेल्दी है. इन द केस ऑफ reproduction, the first thing that comes is of physical health. Physically uske reproductive organs sare theek hain, uske reproductive organs usko emotionally stress out nahi kar rahe hain, uske reproductive organs uske behavior mein koi change nahi leke aa rahe hain, ya reproductively wo bilkul sahi behave kar raha hai, koi panic nahi create kar raha, koi pre ya post behavioral symptoms nahi hain. सोशली भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से इसको कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं दैट वो इंसान जो है ही और शी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. इंडिया ने 1951 में RCH प्रोग्राम चलाया था. RCH प्रोग्राम क्या था कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी फैमिली है, कोई भी विमेन है, वो रिप्रोडक्टिवली ठीक है और उसके बच्चे की भी जो रिप्रोडक्टिवली उसके बच्चे की भी जो हेल्थ है वो ठीक है. That means reproductive and child health care program. This was a reproduction related program or organization basically. RCH program क्या करता था? RCH program awareness देता था, gave awareness about reproduction related aspects for creating a reproductively healthy society. सब चीज के बारे में नॉलेज देना, दैट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ कैन इट बी मेंटेन्ड, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, एंड अदर थिंग्स. एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड. बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताना, देन प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करने के बारे में बताना, देन बच्चा पैदा होने के बाद उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में बताना, देन ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस बताना. ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजें रिप्रोडक्टिव बेसिकली RCH प्रोग्राम में सिखाई जाती थी. नाउ अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इवल, सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या बताते थे, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें हमारे हर पार्ट के बारे में, हमारे हर पार्ट में कैसे इसको हाइजीन मेंटेन करना है, किस पार्ट का क्या रोल है, उसको कैसे रखना है, कैसे इंडिकेट करना है कि उसमें कोई डिसीज तो नहीं है, इसके बारे में हमें नॉलेज दी जाती थी. देन हमें वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताया जाता था, ठीक है, अगर बच्चा प्रेगनेंसी में कैसे केयर करनी है और बच्चे के पैदा होने के बाद कैसे केयर करनी है उसके बारे में बताया जाता था. ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया जाता था. मेल और फीमेल जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी इन्होंने समझाया था. उसके बाद इन्होंने बोला था कि सेक्स एक्सपल्शन, सॉरी पॉपुलेशन एक्सपल्जन,
सेक्स रिलेटेड इश्यूज के इससे कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप अगर ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आप खुद ही उनको संभाल नहीं पाओगे, ठीक है? दैट इज बेसिकली व्हाट पॉपुलेशन एक्सपल्शन इज, ठीक है? सोशल इवल्स, सेक्स रिलेटेड सोशल इवल्स जो है, सेक्स अब्यूज है, सेक्स रिलेटेड क्राइम है, इसके बारे में भी जो विमेन को अवेयरनेस दी जाती थी। एम्स एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू एवरीथिंग। टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। हमारे जो एल्डर्स होते हैं, समटाइम्स एडल्ट्स जो नॉन मेडिकल के यू नो जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, बेसिकली उन्होंने सेक्स रिलेटेड बहुत से मिथ लगाए हुए हैं। उन्होंने ये मिथ क्यों लगाए थे? ताकि कोई भी इन अप्रोप्रिएट एज में सेक्स के बारे में नॉलेज ना लेना चाहे, तो उस चीज को गंदा ठहरा दिया एक बार के लिए। बट समटाइम्स दिस मिथ्स मे हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, बच्चों की हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है इन चीजों पर। तो सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इट हेल्प्स टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ्स। तो इसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज देना, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं, अगर उसमें कोई डिसीज है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है? अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सेफ एंड हाइजीनिसिटी कैसे मेंटेन करनी है अपनी, प्रॉपर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बताया जाता है, जो जो हार्मफुल डिसीजेज है उनके बारे में बताया जाता है, जो जो माइल्डर डिसीजेज है उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, हाउ टू हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ के ऊपर, इस चीज के बारे में हमें सारा सेक्स एजुकेशन के अंदर ही बताया जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि क्योंकि स्कूल बेसिकली इज अ थिंग जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सेक्स एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एनी अदर एजुकेशन, क्योंकि ये एक बंदे को अवेयरनेस देने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू प्रोवाइड टू बी अवेयर अबाउट इट्स सराउंडिंग, अबाउट इट्स बॉडी, अबाउट इटसेल्फ। Now the next thing is population control and birth control. Population explosion. Population explosion क्या होता है कि population का एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। Population का एकदम से बहुत ज्यादा क्यों बढ़े, population इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाएगी? Why? Because people are not aware about the birth control methods. वो बच्चे पैदा कर रहे हैं और पैदा होने के बाद दोबारा से पैदा कर रहे हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, women की health पे effect पड़ता है and family की भी health पे effect पड़ता है। In 1900, the world population was around 2 billion. By 2000, it rocketed to about 6 billion. That is 6,000 billion. 100 साल के अंदर 4,000 million का फर्क पड़ गया। 4,000 million is a great number. अगर 100 साल की बात करते हैं तो ठीक है, टाइम भी ज्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू टाइम द पॉपुलेशन एक्सपल्जन क्यों, पॉपुलेशन एक्सपल्जन क्यों हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन तो उतनी ही रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए उतनी? क्योंकि देखो, जितनी बर्ड्स हो रही हैं उतनी ही डेथ्स होनी चाहिए, पॉपुलेशन को हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, बट ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लोज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा डेथ हो रही है उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की क्या हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रही है। देन गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए एंड फैमिली इटसेल्फ, इनके लिए ही पॉपुलेशन को संभालना मुश्किल हो रहा है, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को संभालना मुश्किल हो रहा है। इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज अराउंड 350 million, ठीक है? 350 million के करीब हमारी पॉपुलेशन थी जब हम इंडिपेंडेंस में पहुंचे, तो 1 billion हो गई। देखो, 350 million से 1 billion, 350 million जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 million थी पॉपुलेशन, जब हमने इंडिपेंडेंस क्रॉस की 2000
2000 ईयर में लाइक अबाउट 20 ईयर्स बिफोर 1 बिलियन क्रॉस कर गई एंड मई 2011 में 10 साल के अंदर ही 1.2 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई. इट मीन्स कि अगर टोटल पॉपुलेशन इट मीन्स एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन. इसका ये मतलब नहीं है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि हमारे इंडिया इंडिया की जो है पॉपुलेशन वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंट्रोलेबल होनी चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज तो नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है हमारे पास. जितना मर्जी यूज करे जाओ रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाए. अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखेंगे तो रिसोर्सेज भी क्या है प्रॉपरली करते रहेंगे. बट द थिंग इज कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है. प्रॉब्लम तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, हमने क्या कर दी और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दी. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो गई है, इट इज 1.2 बिलियन. अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6000 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, तो इट इज अ वेरी बिग अमाउंट कंपैरेटिव टू द वर्ल्ड. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात क्यों कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के केस में, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली ही ये जो एक्सप्लोजन पॉपुलेशन वाला काम है ये रिप्रोडक्टिवली ही कंट्रोल हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट आर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%. That is 20 per thousand per year. ठीक है, हर हजार बंदे में से 20% इंक्रीज हो रहा है हमारा. मतलब कि ये 2% देखने को बहुत कम नंबर लग रहा है. रेट होना ही नहीं चाहिए, ग्रोथ रेट होना ही नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि जितनी डेथ है उसके इक्वल होना चाहिए हमारे बर्थ का नंबर. बट इन एक्चुअल क्या है, ग्रोथ रेट है यहाँ पे, चाहे 1% है चाहे 2% है. इसका मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जो क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज रैपिड इंक्रीज है. कि पहले लोग क्या करते थे, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे थे, उसके बाद क्या हो गया 10-10 बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए. ये क्या है, ये ग्रोथ हो रही है. होना क्या चाहिए कि अगर कोई 5 बच्चे पैदा कर रहा है तो अगली जनरेशन भी 5 ही पैदा करे, ना कि 10 पैदा करे. बट आजकल उन्होंने हमें इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि अगर पहले वाले जमाने में लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, इनमें दो दो टू चाइल्ड नॉर्म चल रहा था पहले, कि एक एक कपल दो बच्चे रख सकता है, एक एक कपल दो बच्चे कर सकता है. पर आजकल इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुकी है कि हमें ग्रोथ रेट कम करना पड़ेगा. जितना जैसे ये ग्रोथ रेट 2% था ना, वैसे ही ग्रोथ रेट डिक्रीज करना पड़ेगा हमें 2%, फिर जाके हमारी पॉपुलेशन कहीं पे जाके कंट्रोल होगी और हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर पाएगी. नाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल्स का क्या आपस में रिलेशन है? पहले तो हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो हम बहुत ही ज्यादा सप्रेस होके रहते थे, रिसेस होके रहते थे. हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हम अपनी मर्जी नहीं कर पाते. इंडिपेंडेंस होने के बाद हमें क्या हो गया, हमारे पास हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो इंक्रीज हो गई और हमारी लिविंग कंडीशन जो है वो बेटर हो गई. हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो फिर क्या हो गया, लोगों ने जीना शुरू कर दिया. लाइक वो बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री होके विदाउट द टेंशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट नोइंग द रिजल्ट्स, वो कुछ भी करते रहे, जिसकी वजह से रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. इंडिपेंडेंस से पहले हम किसी के अंडर थे, हम किसी के कंट्रोल में थे, तो हम अपने डेथ रेट को कंट्रोल नहीं कर पाते थे. बट इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारी कंडीशन काफी ज्यादा सुधर गई और डेथ रेट में काफी डिक्रीज हुआ. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डेथ कम होने लगी एंड न्यू बॉर्न का जो अमाउंट था वो ज्यादा होने लगा. इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसेबल एज, रिप्रोड्यूसेबल एज वाले पीपल पहले तो क्या थे, पहले वो आर्मी में जाते थे या फिर उनके गुलाम होते थे, गुलामी करते थे, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए. लेकिन बाद में क्या हो गया,
बाद में जो रिप्रोडक्टिवली स्टेबल पीपल थे वो फ्री हो गए एकदम से, एंड वो अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया, एंड इट रिजल्टेड इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बार जब हो गई तो हमें रियलाइज हुआ कि यार पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा बढ़ गई, तो स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग की भी कमी हो गई. हमारे पास लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, एंड पहनने को कपड़ा नहीं है. ये हो गया एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ. अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उन लोगों को नॉलेज देनी पड़ेगी कि स्मॉल फैमिली इज हेल्दी फैमिली. कमाने वाला एक है, खाने वाले चार हैं, दैट इज कंपैरेटिव बेटर देन कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं. ठीक है, एक पिता 2 बच्चों का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता है, एक पिता 10 बच्चों का बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ख्याल रख सकता है. दैट इज द थिंग, वी शुड प्रोवाइड द नॉलेज टू द पीपल. इसीलिए बहुत सारे कैंप्स लगते हैं जिसमें हम लोगों को जाके नॉलेज देते हैं अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एंड हम उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं दैट दे शुड हैव स्मॉलर फैमिलीज. मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाई यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. पहले था हम दो, हमारे दो वाला चल रहा था, बहुत सारा इसका हुआ था कि 2 बच्चे ही पैदा करो, 2 से ज्यादा मत जाओ, 2 से ज्यादा जाओगे आपको ही संभालने में प्रॉब्लम आएगी, आप ही प्रॉब्लम में फंसोगे. बट अभी क्या जो चल रहा है वो वन चाइल्ड नॉर्म चल रहा है कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एक बच्चा काफी है. पहले क्या था, सबको ऐसा था कि एक लड़की हो गई तो लड़का भी जरूर हो जाए, तो ये था हम दो हमारे दो. बट आजकल जो है वन चाइल्ड नॉर्म चल रहा है. वन चाइल्ड नॉर्म इज द बेस्ट मेथड जिसकी हेल्प से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बंद हो सकता है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर बंद हो गया तो हमारी प्रोग्रेस की तरफ वन स्टेप फॉरवर्ड वी कैन गो. सैचुरेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजिएबल एज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स. पहले क्या था, जो बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी. क्यों कर दी जाती थी? देयर इज नो रीजन. बट अभी क्या है, अभी हमने लीगली एज बढ़ा दी है कि अगर कहीं पता चलता है कि छोटे बच्चों की 18 साल से छोटी फीमेल एंड 21 साल के छोटे मेल की शादी हो रही है कहीं पे, तो पुलिस आ जाती है, लीगल केस होता है. ये क्यों होता है? ये बेसिकली इसीलिए होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है, एंड सेकेंडली बर्थ जो कंट्रोल मेथड्स है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाता है इसीलिए. तो अब अगर कोई लड़की 25 साल की उम्र में शादी कर रही है, 25 साल की उम्र में शादी करने के बाद उसकी जो 35 ईयर्स तक की कैपेसिटी रहेगी रिप्रोड्यूस करने की, उसके बाद विमेन आर नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज. 25 से 35 के बीच में 10 साल का गैप है. बट अगर 18 साल, अगर 16 साल की बात करें, 16 साल की कोई लड़की शादी करी है, वो 35 साल तक अगर कैपेबल है बच्चे प्रोड्यूस करने में, तो वो 5-6 बच्चे आराम से प्रोड्यूस करेगी. बट अगर 10 साल का ही गैप है उसके पास, तो वो 1 या 2 बच्चे ही प्रोड्यूस करेगी. ये भी एक तरीका था बर्थ कंट्रोल करने का. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज देना लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके लिए वी हैव टू नो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. जो भी इसको यूज कर रहा है उसको यूज करना इजी हो, यूजर फ्रेंडली का ये मतलब है. जिसको भी यूज करना है उसको अवेलेबल हो, चाहे गांव है चाहे सिटी है चाहे कोई भी शहर है, दीज मस्ट बी अवेलेबल इजिली एवरीवेयर. इफेक्टिव हो, इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ही फेल हो गया तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का क्या मतलब. रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल मतलब ज्यादा यूज कर सके, हम बार बार यूज कर सके जिस कॉन्ट्रासेप्टिव को. दैट नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद अवर क्वाइटस. क्वाइटस में कोई भी इंटरप्शन ना करे, तो दिस इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. बिकॉज अगर क्वाइटस में इंटरफेरेंस करने लग गया
तो पीपल वुड नॉट प्रेफर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसीलिए। Now, what are the various methods that can be used or that are to be used? First of all, ye hai traditional methods, natural or traditional methods. The next kind of methods are barrier methods. Then are devices which are inserted inside the uterus. Then there are oral devices which are used. And which can prevent this problem. Then injections are injectables are जिसको inject किया जाता है body के अंदर, and ये भी क्या करते हैं, ये भी pregnancy को avoid करते हैं. And then there are permanent methods, they are known as the surgical methods. Sterilization, basically sterilization की help से क्या है कि एक बार जो couple sterilize हो गया वो दोबारा reproduce नहीं कर पाएंगे. तो स्टेरिलाइज इज द परमानेंट सॉल्यूशन. जिस कपल के बच्चे पैदा हो चुके हैं दे शुड ऑप्ट द स्टेरिलाइजेशन मेथड सो दैट दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. नाउ फर्स्ट मेथड इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, द पीरियड ऑफ मंथ जिसमें बहुत ही रेयर चांसेस है फॉर अ फीमेल टू कंसीव, इसको बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस. देन द नेक्स्ट मेथड इज क्वाइटस इंटरप्टस, कि जो क्वाइटस हो रहा है उसको हम इंटरप्ट कर दें. whenever there is the time for insemination, we can prevent. We should interrupt the method and we should insert out the basically copulatory organs help se the chances of conceiving are very less. And then the method is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea is also a period of time in the life of the women basically jahan pe uske conceive karne ke chances bahut zyada kam hai. First of all, there are natural or traditional methods. What does this mean? That what are the natural or traditional methods? Avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle because it is a highly sensitive period, fertile period mana jata hai, and the chances of conceiving is much more. Then there is a withdrawal method that. जिसको हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम इंपॉर्टेंट है. क्वाइटस इंटरप्टस का नेक्स्ट नेम इज विड्रॉल मेथड. विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजेक्युलेशन सो दैट इंसेमिनेशन ना हो पाए, ठीक है, सो दैट द स्पर्म्स आर नॉट एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बेसिकली. देन देयर इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. Lactational amenorrhea kya hota hai? Lactational amenorrhea is the absence of menstrual cycle and ovulation due to intense lactation after parturition. Ki bacche ki delivery ke baad when the woman is lactating, basically when the woman is mother is feeding the baby, us time mein menstrual cycle nahi ho pata due to the hormones. Hormones kya karte hain, wo milk production kar rahe hote hain, isliye absence of मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. एंड उस वो भी टाइम होता है एक जहां पे फीमेल इज कंप्लीटली स्टेराइल. फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस लैक्टेशन. दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट कंसेप्शन. दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन. इट हैज नो साइड इफेक्ट बट चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई. नाउ नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस नहीं यूज कर रहे हैं या कुछ और नहीं करें. बट द चांसेस ऑफ द फेलियर ऑफ दिस मेथड इज हाई. क्यों? क्योंकि इट इज रिपोर्टेड दैट मंथ के हर दिन इट इज पॉसिबल, मंथ के हर दिन इट इज पॉसिबल टू फॉर अ वुमेन टू कंसीव.
coitus interruptus ejaculation से पहले insemination ejaculation से पहले भी sperms जो हैं वो vagina में enter कर जाते हैं and chances are there कि वो fertilize कर दें women को. And then is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea के time पे भी अगर sperms जो हैं maybe there is a chance कि कोई ovum वहाँ पे पड़ा है and it may fertilize. So natural methods का कोई side effect नहीं है but chances of failure are high. Now next method is the barrier method. Barrier method is they prevent physical meeting because we provide a barrier. हमने एक barrier provide कर दिया जिसकी वजह से the sperms are not able to meet the ovum. Sperms को हमने block कर दिया, उनका रास्ता block कर दिया. इसके examples में क्या आते हैं? Condoms, diaphragm, cervical caps and walls. These are the barrier methods that are used basically to prevent the conception. First of all, these condoms. Here is a picture. You can see that how these are helpful as it covers the main copulatory organ of male and female. And this is made of rubber and latex sheet. Condoms for male cover the penis and condom for female cover the vagina and cervix. जहाँ पे उनके पास proper physical contact हो ही नहीं पाता, barrier हो जाता है and जो sperms हैं वो block हो जाते हैं. These are used just before the coitus and it prevent the entry of semen into the female reproductive tract. And Nerode is a popular brand, that is popular government brand that is used commonly. Next method is they prevent physical meeting of sperm and ovum. And why are these so much popular? Because first of all, these wo pregnancy ko avoid karne ke saath saath mein STDs and AIDS ko bhi kya karti hain? Prevent karti hain. It can be self-inserted and self-inserted hai, easy to use hai, thus privately it can be used. Next thing is that easily available bhi hain, but the thing is that they are irreversible. Isko hum dobara use nahi kar sakte. Ek bar use karne ke baad it is not reversible to use. Then are diaphragm, cervical caps and walls. These are made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. They block the entry of the sperm through the cervix and they are reusable. Diaphragms होते हैं, they are the reusable and spermicidal creams, jellies and foams are used along with these barrier to increase the contraceptive efficiencies. ये जो तीनों methods हैं, basically ये तीनों equipments हैं, they are easy to use, reversible as well, and ये भी क्या करते हैं, barrier provide करते हैं. They do not let the exact to meet. They do not help. They do not let the physical contact between the male and the female gametes. The male and female gametes के बीच में physical contact नहीं होगा, तो क्या होगा? Ultimately there will be no contraception and no conceiving. Thus no fertilization and no pregnancy. So this was all about today's class. कल हम IUDs and other methods के बारे में पढ़ेंगे. Okay, students, thank you.